हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइंड मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोथ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास कॉम्पिटेंसी एग्जाम के लिए दोस्तों जैसे आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा कि लास्ट 2020 एग्ज़ाम में फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट माइंड मैनेजमेंट का आया था फर्स्ट क्लास में और ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट माइंड मैनेजमेंट के ऊपर आया था सेकेंड क्लास कॉम्पिटेंसी एग्जाम में तो आज हम लोग पर्टिकुलरली माइंड मैनेजमेंट मैंट के ऊपर ही ध्यान देंगे उसी का रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो चलिए फास्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर के रूप में किसको माना जाता है हेनरी फायल फेडरिक विलियम टेलर हेनरी विंसलो टेलर फेडरिक विंसलो टेलर दोस्तों जैसे आप लोग सब जानते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर एफ डब्ल्यू टेलर है उसी हिसाब से ऑप्शन ए और सी तो ऐसे ही करेक्ट आंसर नहीं होगा तो कन्फ्यूजन है बी और डी में से तो ये दोनों में से जो सही ऑप्शन है फेडरिक विंसलो टेलर जो कि एफ डब्ल्यू टेलर का फुल फॉर्म है और ये ऑप्शन डी में है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर ऑप्शन डी में जो है फेडरिक विंसलो टेलर हुई इज नॉट ए सब फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग इनमें से जो ऑप्शन में से डायरेक्टिंग का कौन सा सब फंक्शन नहीं है सुपरवाइजिंग कंट्रोलिंग मोटिवेटिंग कम्युनिकेटिंग जैसे हम लोग सब जानते हैं कि मैनेजमेंट का जो चार फंक्शन है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तो इसी हिसाब से कंट्रोलिंग मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है तो डायरेक्टिंग का सब फंक्शन वो नहीं हो सकता बाकी जो सुपरवाइजिंग मोटिवेटिंग और कम्युनिकेटिंग है ये तो तीनों सब फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग है इसीलिए कंट्रोलिंग एक सब फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग नहीं है जो कि ऑप्शन बी में है इसका सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं व्हाट इज मैटेरियल मैनेजमेंट मेटेरियल मैनेजमेंट मतलब क्या है ए टेक्निक ऑफ़ प्रोक्योरिंग मेटेरियल फॉर डे टू डे एक्टिविटीज डे टू डे एक्टिविटी के लिए हम लोग जो प्रोक्योरमेंट करते हैं मेटेरियल्स उसको मेटेरियल मैनेजमेंट बोलते हैं ये तो गलत है ए टेक्निक ऑफ़ प्रोक्योरमेंट मेटेरियल एट लोअर कॉस्ट लोअर कॉस्ट में हम लोग अगर मेटेरियल को प्रोक्योरमेंट करते हैं तो उसको मेटेरियल मैनेजमेंट बोलते हैं वही भी वो भी गलत है तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी ए साइंटिफिक टेक्निक कंसर्न विद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल फ्लो ऑफ मेटेरियल फ्रॉम देयर परचेज टू यूजर एंड परचेज से लेकर यूजर एंड तक जो कंट्रोल वे में प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करके मेटेरियल को ख़रीदना को और उसका सही ढंग से ऑर्गेनाइज करना को मेटेरियल मैनेजमेंट बोलते हैं जो कि ऑप्शन सी में है डैश इज द कैपेसिटी टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स इनमें से कौन सा कैपेसिटी आदमी का बिहेवियर को अफेक्ट करता है एग्रेशन। एग्रेशन तो खुद एक बिहेवियर है गुस्सा हो जाना लीडरशिप ये तो एक क्वालिटी है पावर और मैनेजमेंट इनमें से जो सही आंसर है एग्रेशन लीडरशिप मैनेजमेंट ये तीनों तो एक क्वालिटी uh, बोल सकते हैं लेकिन जब पावर किसी आदमी के पास आ जाता है तो उसका बिहेवियर में अफेक्ट आता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है जब पावर आ जाता है तो तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा पावर पावर इज द राइट आंसर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ डेट वाच प्लान इज ए पार्ट ऑफ डैश प्लानिंग हम लोग क्या किए हैं और उसके हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है उसको जो कंपैरिजन करते हैं वो किसका पार्ट है प्लानिंग का पार्ट है प्लानिंग में तो एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगा ही नहीं इसलिए ये तो ऑप्शन ही गलत होगा ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग जब हम हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम जितना प्लान किए थे उसमें से हम कितना अचीव कर पाए तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो प्लानिंग हुआ था वो दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है वो कंट्रोलिंग है मतलब हम कंट्रोल कर पाएंगे कि वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं है हमारा फंक्शन तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर सुपरवाइजिंग मोटिवेटिंग लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन आर सब पार्ट्स ऑफ डैश ये जो चारों चीज है ये किसका सब पार्ट्स है ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्शन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे तो ये जो चारों फंक्शन है सुपरवाइजिंग करना ये सब डायरेक्शन का एक पार्ट है जो कि ऑप्शन बी में है तो बी इज द राइट आंसर रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी में के रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड ये तो सही आंसर है क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम फुल्ली डेलीगेट नहीं कर पाएंगे द स्टेट ऑफ बिंग अकाउंटेबुल किसी काम के ऊपर किसी तो पर्टिकुलर वर्क के ऊपर अकाउंटेबल रहना है वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो ठीक है फ्लो अपवर्ड फ्रॉम सब टू सुपेरियर ये भी सही चीज़ है तो क्या चीज़ है एक्चुअली देखिए सबऑर्डिनेट स्टेज लेकर सुपेरियर तक ये अपवर्ड डिरेक्शन में फ्लो करता है मान लीजिए तीन स्टेज है एक लोअर स्टेज मिडिल स्टेज अपर स्टेज थ्री स्टेज हम मैनेजमेंट uh, के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो जो लोअर uh, स्टेज में रहता है उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी uh, थोड़ा कम रहता है मिडिल स्टेज में इससे थोड़ा ज़्यादा रहता है और सबसे ऊपर वाला में सबसे ज़्यादा रहे इसीलिए इसलिए सही आंसर ऑल ऑफ दीज होगा तीनों सही है ट्रेनिंग इज द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी वाज एडवोकेटेड बाय होम कौन बोले थे कि ट्रेनिंग इज द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने में ट्रेनिंग बेस्ट टूल है ये तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर है एफ डब्ल्यू टेलर इज द राइट आंसर जो कि ऑप्शन बी में है तो नेक्स्ट क्वेश्चन which is not an advantage of decentralization of authority. Decentralization of authority का meaning क्या होता है कि मान लीजिए कि तीन stage में एक management है lower stage, middle stage और upper stage. तो ये जो तीन stage में management रहता है तो सबसे ऊपर जो रहता है upper stage में उनके पास full authority रहता है मतलब centralized authority रहता है अगर इसको decentralized किया जाए मतलब वो पावर को डेलीगेट कर दिया जाए मिडिल मैनेजमेंट में भी और लोअर मैनेजमेंट में भी तो वो होगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इसमें से जो फायदा मिलेगा इनमें से कौन सा फ़ायदा नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर एग्जीक्यूटिव ये तो सही है क्योंकि डिसेंट्रलाइज होगा तो फ्यूचर एग्जीक्यूटिव बनने का फाउंडेशन बन जाएगा सबके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा प्रॉम्प्ट एक्शन एंड क्विक डिसीजन जब पावर ही रहेगा अथॉरिटी ही रहेगा तो क्विक डिसीजन लेने में आसान हो जाएगा रिलीफ स्टॉप एक्सेसिव वर्कलोड टॉप में बैठा हुआ आदमी के पास वर्कलोड कम हो जाएगा रिलीफ मिल जाएगा उसको तीनों सही है तो जो चौथा ऑप्शन है जो ऑप्शन डी है ये उसका एडवांटेज नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का एडवांटेज नहीं है जो कि ऑप्शन डी में है क्योंकि बाकी जो ए बी और तीन सी ये तीनों के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लिए तीनों ही फायदा है कि फ्यूचर एग्जीक्यूटिव भी मिल जाएंगे क्विक डिसीजन लेने में आसान भी होगा और जो टॉप बॉस रहता है जो अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो लोग रहते हैं उनको भी वर्क लोड से फुर्सत मिल जाएगा मतलब रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि अथॉरिटी उनका नीचे वाला जो पर्सन बैठे हुए हैं उनके पास है इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं माइंड मैनेजमेंट का द फर्स्ट स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है डिटरमाइन द गोल गोल डिटरमाइन करना कि मुझको करना क्या है नेक्स्ट ऑप्शन एनालाइज द प्रॉब्लम प्रॉब्लम को हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्यों हुआ कैसे हुआ जनरेट सॉल्यूशंस कितने टाइप का सॉल्यूशन निकल सकता है एक प्रॉब्लम का वो जनरेट करेंगे डिटरमाइन ऑफेंडर कौन ये ऑफेंस किया कौन ये प्रॉब्लम क्रिएट किया उसको डिटरमाइन करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे लास्ट है डिफाइन द प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है उसको पहले डिफाइन करेंगे तो ये जो ऊपर ए बी सी डी में जो है वो बाद वाला प्रोसेस है सबसे फास्ट हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली इसीलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग ए कंपनी सेफ्टी पॉलिसी तो एक कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी को साइन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है नॉमिनेटेड ऑनर ऑफ द कंपनी सेफ्टी ऑफिसर सेक्रेटरी ऑफ नॉमिनेटेड ऑनर जो नॉमिनेटेड ऑनर के पास जो सेक्रेटरी अवेलेबल होते हैं वो या फिर मैनेजिंग डिरेक्टर ऑफ द कंपनी कंपनी का जो एम डी वो तो ये चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एमडी ऑफ द कंपनी जो कि ऑप्शन डी में है